तरह से सबसे पहला जो आयशा रैना जामिया मिलिया इस्लामिया में वो लड़की ने अपने साथी को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई, आयशा रैना और लदीदा ने, प्रचंडा यादव ने, उसके बाद से जो हमारी बहनों ने रोड पर आकर के शाहीन बाग को घेर करके और वहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया और उसके बाद पूरे मुल्क में शाहीन बाग बनते चले गए, यकीनन उसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बहनों का हमारा हिस्सा है, किसी का हिस्सा नहीं। और अगर कहीं ना कहीं इसमें अगर कुछ रमक दिखाई देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी दिखाई देती है जो हमारे अंदर इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमारे दिलों में बैठी हुई है। यकीनन इसमें हमारी हिंदू बहनों ने भी थोड़ा साथ दिया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इल्लल्लाह का मतलब ही यही है कि जो इंसानियत की फिक्र करे उसी का मतलब है इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं का मतलब ही है कि हम अल्लाह को मानेंगे। जाहिर सी बात है कि उसने बैठी हुई है, ये आंखों में हाथे डाल करके ही बैठना है। आज वो वक्त आ गया है कि बड़े बड़ी बातें करने वाले, बड़ी बड़ी धमकियां देने वाले आज वो सफाई देते फिर रहे हैं, ये तो लेने का नहीं, ये तो देने का है, और ये तो यूं है, और वो तो भड़काया जा रहा है, यूं किया जा रहा है, बात करने को अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज वो सफाई देते फिर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं सफाई देते हैं कि अरे भाई वो तो सीए तो लेने का नहीं है, देने का है, और वो सीए से ऊपर भड़काया जा रहा है। मतलब उनको तो शर्म भी नहीं आ रही है कि जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोग, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। एक बच्चे को पालती है माँ बाप, पढ़ने भेजते हैं, वो पढ़ करके आता है, आईटी का ऑफिसर बनता है, और उसकी लाश जब नाले से निकलती है तो उसकी माँ के कलेजे से पूछो कि क्या बीतती हो। लेकिन इस बात का एहसास बिल्कुल भी गवर्नमेंट को नहीं है, बिल्कुल जर्रा सा भी नहीं है कि उसको एहसास तक भी हो कि जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिनके बच्चे रोडों पर बैठे हैं, जिनकी बच्चियाँ आज महीनों हो गए चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हमसे बात करो, लेकिन उनको ज़रा सा एहसास नहीं। पूरी दुनिया पे खबर पहुंच गई, OIC मीटिंग कर रहा है, अमेरिकन एजेंसी अपने बयान दे रही है, लेकिन इनके कानों में जूड़ी नहीं रेंग रही है। इनके पास सिर्फ एक जुमला रह गया है जुमलेबाजों के पास, अरे ये तो लेने का नहीं देने का है, लेने का नहीं देने का नहीं, आके बात कर लो ना, लेने का है कि देने का है क्या है। यहाँ पर CA NRC के ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा, सभी को लगभग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मालूमात तो हो गई है कि ये क्या है, अजीब मंजर बना करके रखा हुआ है। लेकिन ये बात हमेशा हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि हम लोग भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, और उसी फिक्र में उनको पलने पालने के लिए मर जाते हैं और चले जाते हैं, कोई याद करने वाला नहीं होता है। कोई हादसे में मर जाता है, कोई आदमी किसी बीमारी से मर जाता है। ये बात अपने जहन में हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों ने जो काम करके दिखा दिया, ये जो काम है इंसानियत के लिए खड़े होना, हमें आपको नहीं निकाला जा रहा है ना, आपकी जाने भी पता, आपको भी पता है, लेकिन उन बच्चों, उन माँ, उन बूढ़े लोगों का क्या, जो बेचारे जाने वाले हैं, जो NRC के तहत निकालने वाले हैं, उनकी फिक्र में ये जो आप काम कर रही हो, तो ये चीज़ आपको जानवरी सतह, जो जानवर की ज़िंदगी से ताबीर करता है ना अल्लाह, कि वो भी बच्चे पैदा करता है, वो भी बड़े होते हैं, वो भी एक दिन मर जाते हैं, वो भी सुबह उठता है तो फिक्र मार्च में दौड़ता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। लेकिन जब कोई शख्स दूसरे के लिए फिक्र करता है, अब यहाँ से उसकी इंसानी ज़िंदगी शुरू होती है। जब वो दूसरे के लिए फिक्र करता है, क्योंकि जानवर में ही सलाहियत नहीं दी अल्लाह ने कि वो एक जानवर दूसरे जानवर की फिक्र करे, ये इंसानी फिक्र है जो आपने करी। तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि अल्लाह ने आपको जानवर की सतह से ऊपर ला के आज इंसानी मुकाम पर ला करने खड़ा कर दिया, और इंशाअल्लाह ताला जो हौसला आप लोगों ने दिखाया है, ये हौसला आपको इंशाअल्लाह ताला मुस्लिमों की जमात पर भी ले जा करके खड़ा करेगा। जहाँ से कहा जाता है कि अब तुम मोमिन हो गए, मुस्लिम हो गए, मोमिन और मुस्लिम वो आमाल है जिनकी बुनियाद पर इंसान अपने दिल में वो कैफियत महसूस करता है, उसमें हिंदू और मुस्लिम का कोई
प्यार देना। कोई हिंदू भी अगर वो कैफियत महसूस करता है तो वो जाहिर सी बात है अल्लाह के मकबूल है जो हमारे साथ खड़ा है, जो नेकामाल कर रहा है। मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों से अपील करूंगा कि धरना बहुत अच्छा जा रहा है, धरना आप लोगों के हौसलों से जा रहा है, किसी का इसमें कोई योगदान नहीं है, किसी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, इसका सिर्फ अजर अल्लाह दे सकता है, यहाँ पर कोई दे भी नहीं सकता है।